महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी और संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उद्धव ने कहा कि बीजेपी तो आयारामों की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मस्टर मंत्री बन गए हैं, यानी वे अब सिर्फ दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं। म्हणजे एक पक्ष चोरला, दुसरा चोरतायत, आता कोणीतरी सांगले काँग्रेस फोडतायत, म्हटलं तीन तीन चार चार पाच पाच किती उपमुख्यमंत्री करणार? आणि मग देवेंद्रजींकडे राहणार तर काय मस्टर मंत्री? उद्धव ठाकरे के बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस मास्टर ब्लास्टर हैं, उन्हें सिक्स मारना भी आता है और वो विकेट लेना भी बखूबी जानते हैं। देवेंद्र जी ने अपन का इतनी मना लेते मास्टर मंत्री, मास्टर मंत्री म्हणताना थोड तरी काहीतरी वाटलं पाहिजे। ते जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्याचा मी साक्षीदार आहे। एवढी काम कुठलंही काम आणलं तर कधी त्यांनी मनाही म्हटलं नाही, प्रत्येक काम त्यांनी केलं याची तरी जाणीव ठेवायची होती। अरे ते तर मास्टर मंत्री नाही, ते मास्टर ब्लास्टर देवेंद्र फडणवीस आहे। ते कधी तुमची ते चौकार पण मारतात, षटकार पण मारतात आणि विकेटही घेतात। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। असे मला वाटतं खरं म्हणजे उद्धव ठाकरे त्यांनी एक पक्षाचे नेते आहे, त्यांनी काय मान मर्यादा सांभाळण्याची गरज आहे। त्यांच्याबद्दल लोक वाईट बोलू शकतात, मी सुद्धा बोलू शकेन। तुम्हाला दिलेल्या पदाचा दुरुपयोग शिवराळ भाषण करण्यासाठी नाही आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब फडणवीस 2014 से 2019 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, मैं इस बात का साक्षी हूं। उन्होंने सब काम किए, वे मास्टर मिनिस्टर नहीं हैं, वे तो मास्टर ब्लास्टर हैं। उन्हें पता है कि छक्के और चौके कैसे मारने हैं और विकेट कैसे लेना है। And please subscribe to India News TV for more such updates.